संस्कृत लिटरेचर में चैप्टर 10 नीति नवीकरण पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर में 6 श्लोक है। ये जो चैप्टर है मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, लेखक इसके मनु है। इस ग्रंथ से इन 6 श्लोकों को लिया गया है। हमारा पहला श्लोक है अभिवादन से नित्य प्रदोप से चतवारी कस्य वर्धते वर्धते आयु विद्या यशोवर। अभिवादन से मतलब बड़ों को अभिवादन करना, प्रणाम करना, बिना मुंह के उनसे बात नहीं करना। वृद्धों से भी, और जो वृद्धों की सेवा करते हैं मतलब जो नित्य नित्य मतलब हमेशा, जो हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं उनके 4 गुण बढ़ते हैं। आयु विद्या यशोबल यानी कि आयु विद्या यशोबल की 4 वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बड़ों का सम्मान करते, बड़ों को प्रणाम करते, उनका सम्मान करते और नित्य हमेशा वृद्धों की सेवा करते हैं उस व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल ये 4 गुण बढ़ते हैं, या वो व्यक्ति आयु विद्या यश और बल ये 4 वृद्धि को प्राप्त करता है। दूसरा है यह माता पितरों कलेशम सहते सभवे नृणामे, मतलब जो माता पिता अनेक प्रकारों कष्ट को सहते हुए अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, उनको पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, उनके जीवन के बारे में सोचना, तो जो माता पिता अनेक प्रकार कष्ट को सहते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो मैं कैसे निष्पत्ति सत्या, तो ऐसे माता पिता के जो हमारे जो ऐसे माता पिता है जो उनके उपकार का बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते, 100 वर्षों तक भी हम उनके किए गए कार्यों का बदला नहीं चुका सकते हैं, मतलब 100 वर्षों तक भी हम उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते हैं। इसे कयो नित्य प्रिय कुर्याद आचार्य से क्या समझा, माता पिता और आचार्य, माता पिता और आचार्य हमेशा इनसे प्रिय वचन बोलने चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही, ये तीन कौन कौन, माता पिता और आचार्य, माता पिता और आचार्य इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सभी प्रकार के तप संपन्न हो जाते हैं। जो भी हम तपस्या करते हैं, जो भी हम व्रत उपवास करते हैं, दान करते हैं, वो तभी संपन्न होते हैं, तभी परिपूर्ण होते हैं जब हम माता पिता और आचार्य इनसे सदा प्रिय व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। सर्व पर्व दुखम, दूसरों के अधीन रहना दुख है, दुख का कारण है। अगर आप दूसरों गुलाम बनते रहते हो सदा दुखी रहते हैं, दूसरों के अधीन रहने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है, वैसे बोल सकते हैं दूसरों के अधीन रहने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है और जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वो सदा सुखी रहता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वो सदा सुखी रहता है। सुख और दुख के यही लक्षण है, सुख और दुख के यही लक्षण है, दूसरों के अधीन रहने वाला दुख प्राप्त करता है, जो स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रह के अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कार्य करता है वो सुख को प्राप्त करता है। सुख और दुख के यही लक्षण है, सुख और दुख को प्राप्त करने के यही लक्षण है, क्योंकि हम किसी गुलाम बन के रहते हैं तो उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। जैसे कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था तो हमें उनके अधीन रहना पड़ रहा था, उनके अनुसार अपना जीवनचर्या या जीवन की दिनचर्या चलानी पड़ रही थी, लेकिन हम स्वतंत्र हुए तो हम अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अपने जीवन के कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो दूसरों के अधीन रहता है हमेशा दुख प्राप्त करता है, दूसरों के अधीन रहने वाला हमेशा दुख प्राप्त करता है, जो स्वयं के अधीन है स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है वह सुख प्राप्त करता है। सुख और दुख के यही समान लक्षण बताए गए हैं। पांचवा है यत् कर्म प्रवृत्तो अस्य सदा परितो सोऽसि अंतरात्मा। यत् कर्म यानी जिस कर्म को करते हुए हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। हम दो तरह से कार्य करते हैं, एक तो किसी कार्य करके हमारा मन बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है, तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसको करने के हमारे मन की संतुष्टि होती है, यानी हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, हमने जो भी कार्य किया है बिल्कुल सही किया है, इस कार्य से किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो जिस कर्म को करते हुए हमारी आत्मा हमारा मन संतुष्ट होता है हमें ऐसे कार्य ही करने चाहिए और ऐसे कार्यों को करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन जिस कार्य को करते
करते हुए हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, हमें लगता है गलत किया है, तो ऐसे कार्य को छोड़ देना चाहिए। समझा बेटा, जिस कार्य को करते हुए मन प्रसन्न होता है, मन आत्मा प्रसन्न होती है, हमें ऐसे कार्य ही करने चाहिए, ऐसे कार्य को उसी कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। और जिस कार्य को करते हुए हमारा मन प्रसन्न नहीं है, तो ऐसे कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। दृष्टि मतलब अच्छी तरह देखना, अच्छी तरह दृष्टि रखकर, मतलब अच्छी तरह देखकर ही कदम रखने चाहिए। जब हम चलते हैं तो हमें देखकर कदम रखने चाहिए, तो अच्छी तरह देखकर ही कदम रखने चाहिए। वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए। सत्य पूरा वचन, सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए, सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए। और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ उसकी हिंदी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अनुवाद आप स्वयं करेंगे। पहला है, जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों को नित्य प्रणाम करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल चारों गुण बढ़ते हैं। सेकंड है, माता पिता अपने संतान को उत्पन्न करने में, उसका पालन पोषण करने में अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं, इसलिए हम 100 वर्षों तक भी उनके इन एहसान का बदला या उन कष्टों का बदला नहीं चुका सकते हैं। थर्ड है हमारा कि हमेशा नित्य ही हमेशा अपने माता पिता और आचार्य से प्रिय व्यवहार करना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही, इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सभी प्रकार के तप संपन्न होते हैं। आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितना ही दान दे लो, अगर आपने अपने वचनों से अपने माता पिता को, अपने गुरु को आघात पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, तो आपने जितने भी तप किए ना, जितना दान दिया है, सब व्यर्थ है। एक आ गया है कि हमेशा हमेशा नित्य अपने प्रिय वचनों से माता पिता और गुरु के साथ प्रिय वचन का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सभी प्रकार के तप संपन्न हो जाते हैं। फोर्थ है कि अपने आप में परतंत्रता है, गुलाम होकर रहना, तो काम कर किसी के अधीन रहता है, कोई व्यक्ति को हमेशा दुख को प्राप्त करता है, और जो स्वतंत्र होता है वह सुख को प्राप्त करता है। स्वतंत्र और परतंत्र, ये ही सुख दुख के लक्षण है। स्वतंत्र रहना सुख का लक्षण है और परतंत्र रहना दुख का लक्षण है। जो दूसरों के अधीन रहता है, गुलाम रहता है, वह दुख को प्राप्त करता है, और जो स्वतंत्र होकर कार्य करता है वह सुख को प्राप्त होता है। तो यही सुख दुख के लक्षण है, यानी स्वतंत्र रहना और परतंत्र रहना, यही सुख दुख के लक्षण है। पांचवा है कि हमें वही कार्य करने चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा या हमारा मन प्रसन्न होता है। जिन कार्यों को करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, उसी कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उसके विपरीत जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, यानी जिस कार्य से हमारा मन प्रसन्न नहीं है, हमें लग रहा है कि हम लोग कार्य करके कोई गलती की है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे कार्य को छोड़ देना चाहिए। सिक्स है, देखकर, अच्छी तरह देखकर, दृष्टि देखकर, अच्छी तरह देखकर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। जल से छानकर, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए, दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसकी हिंदी और इसके वर्ड में स्वयं अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।